हे अबे, कैसा? ऋषि कॉल क्यों नहीं उठा रहे रात अरे यार, वो कुछ नहीं, कुछ काम था। एनीथिंग अर्जेंट? से? अर्जेंट है ना भाई, तेरे की जॉब लग गई दुबई में। हाँ अरे वाह, ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ, हाँ थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू भाई, थैंक यू। अच्छा मैं तुझे कल कॉल करता हूँ, ठीक मिलते है, हैं। ठीक है भाई, हम मिलते हैं। ओके बाय। ओके। क्या सोच रहा साले? ब्रश कर ले। नहीं करेगा? क्यों? अगर इसमें सहर हुआ तो? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, तूने आंखों से कोई बात। सॉरी यार, तुझे तो भूल ही गया था यार। ये अंदर की फीलिंग्स कैसे बताते हैं किसी को? तुम्हें तो पता है ना, जैसे तुमने मुझसे अभी मांगा पानी, इत्तू साबू बना के। लेकिन यार मुझे नहीं आता, शायद यही प्रॉब्लम है हम इंसानों की। हम अपने चेहरे पे लिख नहीं पाते, क्योंकि अगर लटका हुआ मुंह लेके घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बस मजे लेंगे। तो किससे करूं दिल की बातें, समझ नहीं आता है। क्या 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 लिख दूं? अबे यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। बहुत बढ़िया आइडिया है यार, थैंक यू सो मच। चाय लीजिए। अरे भाई, ये बुक शॉप किधर होगी? इधर पास में है ना साहब, चौक से राइट दो तीन दुकानें छोड़ के मिल जाएगी। जी साहब। थैंक यू सर। वेलकम सर। क्या लिखूं? क्यों ना मैं उन सवालों के जवाब लिखूं जो मैं किसी से नहीं पूछ सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा। जब यहाँ आता हूँ ना तो मन सा लग जाता है। अरे मेरे दोस्त, तुम यार, लेकिन एक बात है, हाइट बहुत है तुम्हारी। हाथ नहीं आते हो।
पहले कभी देखा नहीं आपको यहां, नए आए लगते हो। बता दो वरना ना बताने का अंजाम बुरा होगा। सॉरी अंकल, कभी कभी थोड़ा ओवर कर जाता हूँ मैं, एक्चुअली एक एक्टर हूँ ना मैं। वैसे अंकल वो घर है मेरा, वो उधर, उधर से मैंने आपको देखा, बहुत कूल लगे आप मुझे। आप जैसे पक्षियों को देख के हंस रहे थे, पेड़ों को देख के, मतलब एक सुलझे हुए आदमी की निशानी होती है। अंकल अगर आपकी इजाजत हो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। अंकल सवाल ये है कि ऐसा क्यों है मेरी लाइफ इतनी मुश्किल और मेरे दोस्तों की इतनी इजी? व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग सो हार्ड? देखो बेटा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, वो एक बच्चे को भी उतने खुश देखना चाहते हैं जितना दूसरे को, और फिर हम सब तो उसके बच्चे हैं, है ना? तो ये सोचना गलत है कि मेरे दोस्त की मुश्किलें कम और मेरी ज्यादा। हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह ही सोचता हो, जो लाइफ तुम्हारी है वो उसकी क्यों नहीं, जो खूबियां तुम में हैं वो उसमें क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी एक्टिंग, जैसे तुमने अभी करके दिखाया। मैं तो डर ही गया था। हो सकता है ये उसकी भी चाहत हो। Why I am struggling so hard? ऐसा वो भी तो कह सकता है ना? दरअसल ये तुम दोनों की ही बात नहीं है, हम सबकी सोच यहीं पर अटकी हुई है, और इस सोच से बाहर निकलने के लिए हमें उस पर यकीन करना होगा। वो किसी को कितनी भी मुश्किलें क्यों ना दे, उससे कहीं गुना ज्यादा ताकत भी देता है उन मुश्किलों से लड़ने के लिए। और जिंदगी का ये सच जानना तुम्हारे सवाल का सबसे उम्दा जवाब हो। वाह अंकल, क्या बोला आपने, मेरी भी सोच यही है। अंकल मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ सकता हूँ? आज नहीं, कल, परसों, जब भी मुलाकात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है अंकल, थैंक यू, मुझे अभी जॉब पर जाना है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आज? एकदम बढ़िया। अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेलकम सर। प्रणाम पापा। खुश रहो, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कब तक आ रहे हो? बेटा अभी तो नहीं आ पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। और बताओ जॉब कैसी चल रही है? बस चल रही है। बेटा तुम मन लगा के काम कर, बहुत स्कोप है इस जॉब में। हाँ पापा आई नो, इसलिए तो कर रहा हूँ, अब कुछ बने या ना बने करना तो यही है। देखो ऋषि, अगर आज कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही चलेगा। तो अब एक्टिंग वगैरह भूलकर इस काम में मन लगा, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। जी पापा। चल अभी मुझे थोड़ा काम है, कल कॉल करूंगा। ओके पापा, बाय बाय। लव यू बेटा। लव यू टू।
अरे तुम? नमस्ते अंकल, पत्ते बहुत झड़ते हैं यहाँ, है ना? अंकल, मुझे एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैं खुदता रहता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कब ठीक होगा, लेकिन पापा कहते हैं कि वक्त के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। क्या अंकल ऐसा होता है, वक्त के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर मैं लाइफ के एंड तक ऐसे ही घुटता रहूंगा? ऋषि, ठीक हो जाता है कुछ ऐसा ही समझ लो। दरअसल उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते हम जिंदगी को काफी हद तक समझ जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं और खुद को शांत कर लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि जो मिला वो बहुत कुछ है और जो नहीं मिला वो कुछ भी नहीं, शायद वो हमारे लिए था ही नहीं। इस तरह हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है और सब कुछ ठीक भी लगने लगता है। और वो कहते हैं ना कि अगर ठीक ना लगे तो ये एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे भाई कैसे हो? ठीक हूँ साहब। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं सर। अरे बता दो भाई। थैंक यू सर। पता है मेरा एक दोस्त है, वहां जहां मैं काम करता हूं, मतलब पूरी तरह दोस्त नहीं लेकिन हमारा मिलना रोज होता है। वो खुशी खुशी आके मेरे टेबल पे चाय का कप रखता है और मैं उसे कहता हूँ थैंक यू सर, और वो मुझे कहता है वेलकम सर। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे थैंक यू बोला पर उसका जवाब नहीं आया। मेरे दोबारा पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मुझे उसकी खामोशी समझ आ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैंने खुद उस खामोशी को महसूस किया है और अब भी करता हूं। फिर मैंने उसे ज्यादा तंग नहीं किया क्योंकि ऐसे मूड में कई बार इंसान हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है। चलो मैं आज का सवाल और जवाब लिखता हूँ और कल अंकल से पूछूंगा, और यहाँ देखते हैं हमारी सोच कितनी मिलती है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, पेड़ों को देख रहा हूँ जैसे आप देखते हैं। क्या बात है, आज कोई सवाल नहीं? हाँ अंकल, आज मेरा ये सवाल था कि ऐसा क्यों होता है कि हम जिंदगी में कभी कभी खामोश रहना पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल ही ऑपोजिट करेक्टर बन जाते हैं, खुद को छुपा लेते हैं, कुछ और दिखाते हैं, बकायदा अंदर से हम कुछ और ही होते हैं। ऐसा कब होता है अंकल? देखो ऋषि, हमारी जिंदगी की रेल कभी सीधी पटरी पर नहीं चलती, उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं और कभी कभी तो ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो हमें कुछ और ही बना देते हैं जो हम कभी थे ही नहीं। और इस सफर में कई तरह के मौसम देखने को मिलते हैं,
जैसे आंसुओं की बारिश, हंसती खिलखिलाती धूप, कभी सर्दी कभी गर्मी, और कभी कभी तो ऐसा भयानक सा तूफान आ जाता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है, और हमसे हमारे किसी अपने को छीन लेता है, जिसके बिना हम जिंदगी के सफर में खुद को तन्हा महसूस करते हैं। फिर या तो हम खामोश हो जाते हैं या फिर कुछ और ही बन जाते हैं, और हमारे अपनों का बिछोड़ना ही हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जी अंकल, ऐसा ही होता है। हेलो माँ, सॉरी यार आज थोड़ा लेट हो गया, फैक्ट्री में एक नई कंसाइनमेंट आई हुई थी। अच्छा माँ, वो जो 2000 रुपये थे ना जो मिल नहीं रहे थे, वो आज मिल गए, मैंने अपनी नी पॉकेट में रखे हुए थे, पागल हो गया था ढूंढ ढूंढ कर। माँ आप पापा को समझाते क्यों नहीं हो, हर बारी प्लान बनाते हैं आने का फिर खुद ही कैंसिल कर देते हैं, मेरा मन नहीं करता क्या उनसे मिलने का? और ऐसा करते करते 6 महीने हो गए हैं। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। कितना बेसरा गाता हूं ना मैं। माँ कभी कभी ना मैं चिड़चिड़ा सा हो जाता हूं, अपने दोस्तों से भी ढंग से बात नहीं करता, लेकिन अंकल कहते हैं कि ये सब तब होता है जब कोई अपना दूर चला जाता है, क्या ऐसा होता है माँ? I miss you so much.
अंकल नहीं आया आज। ऋषि अंकल आप कहां थे? आप इतने दिन आए नहीं।
आपको पता है मैंने आपकी कितनी वेट की? मेरे को तो लगा कि आपको कुछ, एक तो ये बहुत बुरी बात है आपकी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप बस हंसते रहते हैं। कहां थे इतनी देर? कहां थे? यही था। कहां? ये सब छोड़ो, सवाल पूछो। वही तो पूछना है इतने दिनों से। एक तो आप आ नहीं रहे थे, ऊपर से इस सवाल ने इतना परेशान करके रखा। वैसे कुछ हद तक लिख चुका हूं और सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? हम यहां कर क्या रहे हैं? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? देखो ऋषि, जिंदगी पल भर का किस्सा है जो हर रोज शुरू होता है और हर रोज खत्म भी हो जाता है, और उसमें हमारा एक किरदार होता है, और उस किरदार को जानना ही हमारी जिंदगी का असली मकसद होता है। कुछ और? बस इतना ही। कुछ तो होगा। और कुछ? और ये जानना इतना मुश्किल नहीं है, मगर फिर भी कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। अपने ही किरदार को जिंदगी भर पर्दे के पीछे छिपा कर रखते हैं, आगे जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जब तक आगे आने का साहस करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पर्दा गिर चुका होता है और कुर्सियां खाली होती हैं, और हमारा घर वापस लौटने का वक्त आ जाता है। इस तरह हमारा किरदार गुमनामी के अंधेरे में घुटकर अपना दम तोड़ देता है। ऋषि, किन सवालों का जवाब ढूंढ रहा है तू? वो जो तेरे अंदर ही है।